हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड जो मेरी अब आगे आप वीडियो देखने लगे हो उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ऑसम शॉर्ट्स है। बहुत सही जगह पे हम गए हुए थे, ट्रैवल प्लान था ये। और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं शायद आज ही अपलोड कर दूंगा। अगर आज नहीं किया तो रिमेम्बर दैट कि इसको मैं कल इसका सेकेंड पार्ट जरूर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड कॉमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। और कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो उसमें कॉमेंट जरूर कर देना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि आप सब मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और अगर कुछ ना पसंद आए तब भी कॉमेंट करके बता देना यार कि ये क्या बोल रहा है यार, ठीक कर अपने आप को। बड़ी जहरीली बात है, मतलब ना मैं तैयार हो गया हूँ, वो अभी भी सो रहा है। बताता हूँ, रुको जरा, सबर करो। क्यों तैयार हूँ? टाइम हो गया सुबह के 7:10 और मैं तो 5:30 को उठा ही हुआ था। और प्लान प्लान ना ऐसे बना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका फोन आया था मुझे रात को 1:30-2 बजे, कहता चले। और मैं नोना बच्चा मना ही नहीं कर पाया। ही मेड एन ऑफर दैट आई कैन नॉट रिफ्यूज। सो नॉनदलेस बताता हूँ अभी कहाँ जा रहे हैं। अभी तैयार हो जाए, मैं तो तैयार हो ही गया हूँ, उसकी अब इंतजार में हूँ कि 5-10 मिनट उसने और लेने हैं, वो ले ले, उसके बाद निकलते हैं, आपको भी दिखाते हैं टेक्नोलॉजी या वाकई में साइंस जो भी है, मतलब दुनिया मेरे लिए आगे तक बढ़ेगी टेक्नोलॉजी में, इन्वेंशन में, जब इसको एक सेकेंड में, एक झटके में सुधार सके। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। मेरा नाम है पवनदीप और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजराल मीडिया। जितनी सुस्ती सुबह चढ़ी हुई थी वो सब उतर गई है। साढ़े पांच बजे तक उठा मैं, रात का तेन मैं फोन करी ना उठे आ जा और कल शाम उ आटा गुन्नी आता वो यार काम भी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं चैपल स्ट्रीट पे कितनी रोड थी रात। चैपल स्ट्रीट हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या चल महा तेन बनाया उदो हाय नींद आंदी है, हाय नींद आंदी है, मेरे तो नहीं जाया जाना यार। ये गल ठीक है, मतलब एक गल, मतलब मैं क्यों पंजाबी बोल रहा हूँ, एक बात ठीक है कि मैं कल 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम पे था और ये और कुछ इनके साथ इनके लौंडे ये चैपल स्ट्रीट मार रहे थे मौजे। हालांकि बुलाया भाइयों ने बट मुझसे जाया नहीं गया ना। इसका मुझे 2:30 बजे फ़ोन आया और लिटरली अब बंदा यार 7-8 घंटे की शिफ्ट लगा के आया, कोई सौखा दौड़ना है। उसके बाद इसने मुझे 2:30 बजे फ़ोन करके पता क्या बोला, सुबह ना वे 6:30 बजे तक तैयार रहे जाना है। उस टाइम तो इसने कुछ नहीं बताया कि जाना कहाँ है, क्या प्लान है, कहता बस जाना है, नहीं जाएगा ना तो आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म बस। इसको मैंने उसके बाद, मैं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैंने इसको 5:40 पे फ़ोन कर दिया। मैं कहा अभी तैयार हो गया कि जाना नहीं, कहता बस थोड़ी देर से निकलते हैं। ये भी वही है, ये जितना सोता ना इसका लिटरली ऐसा लगता है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला ना कुत्ता मार के बैठ गया। तो इसको मैंने फ़ोन करा, मैं कहा यार चल चलिए, कि मतलब हूँ मैं उठ गया सीखा ना, तो ये कहता बस 6:30-7 बजे तक निकल रहा है। और अब टाइम हो गया है 7:50
चक्कर इसकी गलती नहीं है, ये आ गया था मेरे पास टाइम पे, बट मैं एज अ यूट्यूब ब्लॉगर यूट्यूबर मुझे कुछ मेरी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती थी, जिसमें आज मैं यूज़ करने लगा हूँ GoPro, और ये कुछ सामान पड़ा है पीछे, इसकी उसकी भी रख लिया है, प्लान बड़ा है, ट्रैवल प्लान है ऊपर से। तो इस व्लॉग को पूरा देखना, ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी चीज़ मिस मत करना, और जो भी चीज़ अच्छी लगे उस पर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और वीडियो को अभी लाइक कर दो, बड़ी मस्त चीज़ें दिखाने लगूँगा आज व्लॉग में। और आज थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो हेजिटेशन है ना, जो शर्म है लोगों के बीच में जाके व्लॉग ना बनाने की, आज वो भी तोड़ देनी है, आज तुम्हारा भाई ना चीर पार करेगा व्लॉग में। और अभी के लिए कुछ मौसम ऐसा है जो कि फेवरेबल नहीं है, जो हमने सोचा था करने का वो शायद ही हो पाएगा। और बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नहीं यहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे, बताएंगे धीरे धीरे, धैर्य। ओ की कहता है हिंदुस्तान बाबू, क्या कहता है, सबर का फल ना, रुको जरा, सबर करो, आगे आएगा देखना आगे। तो अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो अब अपनी जर्नी शुरू करी है, तो करीब लगा के चलो 3 घंटे लगेंगे, तीन घंटे लग जाएंगे ना, सो 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे बाद उस जगह पे पहुँचेंगे। और मैंने ना, मैं हूँ प्लानर, तुम्हारा भाई लिटरली प्लानर है, हम सीधा उस जगह पे नहीं जा रहे, हम जाएंगे उससे पहले 2 और जगह पे, बहुत नज़दीक है, बट मैंने लुकआउट्स और कुछ चेकआउट करे थे, तो वो भी कुछ ऐसी जगह जो वहाँ पे जाता है, वो इस जगहों पे भी घूम के ज़रूर आता है। रूट पता था ना यार तेरा, बढ़िया ना, मतलब इसको भी 3-3.5 साल ही हुए हैं, और मुझे भी 3-3.5 साल ही हुए हैं यहाँ पे आए हुए ऑस्ट्रेलिया, इसको मतलब बहुत ज़्यादा रूट पता लग गया है, मेरे को बस एक ही रूट पता है, यहाँ से सीधा अपने काम पे कैसे जाना है, क्योंकि 2-3 मोड़ ही मुड़ने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो बिना मैप तो पहुँच जाएगा, बड़े तेजस्वी इंसान हो। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 1960s ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਸਟੈਂਗ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਟਿੰਗ ਰੁਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਸਟ 1 or 2 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਗੱਡੀ ਥੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਥੁੱਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਉਸ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ, ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਲੈਣ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਆਲਰੇਡੀ 2 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲੱਬ ਪਰ, ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜੋ ਵੀ ਰੈਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਜੋ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਬਾਊਟ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਮਤ ਲਗਾ ਦੋ ਨਾ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੱਬ ਪਰਮਿਟ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ 20-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਸੀ ਇਹ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤ ਪੜਵਾ ਦੀ ਦਾਦੀ। ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਪੇ ਨਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਛ ਤੋ ਲੌਕ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗੇ, ਕੁਛ ਲਗੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਤੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਓਂ ਪੇ ਇਨਹੋਂਨੇ ਨਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾਓਂ ਪੇ ਅਬ ਇਨਹੋਂਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਕੋ ਦਿਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਲੱਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਦੇਖ
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਪ ਹੰਗਰੀ ਜੈਕਸ ਜਿਲੋਂਗ ਬਾਉਂਡ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਵੋਪਰ ਜੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾ ਰਹਾ ਹੰਗਰ ਟੈਂਪਰ ਜਿਸਮੇ ਪੋਰਟ ਬੈਲੀ ਬਰਗਰ ਔਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਗਰ ਤੀਨ ਨਗੇਟਸ ਔਰ ਕਿਆ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੋ ਦੋ ਡਿਪਿੰਗ ਸੋਸ ਦੀ ਆ ਜਿਸਨੇ ਔਰ ਕੋਕ ਦੀ सो आइस हमने ले लिया यार हूं एक चीज तो तेनू करनी पड़ेगी कि नहीं अच्छा जी मैं वापसी च नहीं चलाऊंगा मैं पहला दस रहा पहले एसकी च पा तो लिए समान कैसी कैसी वाहियात चीजें मिलती है लोगों की एसकीओं से बट नॉनदलेस सो बर्फ हमने डाल दिया है ठीक है जी और ये हम डाल रहे हैं कोक कोक नहीं है ये वाई हाथ चीजें ये डाल रहा है वाई याद नहीं है पता है ये सफर लंबा होता है इसके लिए हमें ये चीजें चाहिए होती है आप पे पिघलती रहोगी ग्रेट सक्सेस गाइज गाइज हम नजदीक पहुंच गए हैं गाइज जलपान करने के बाद हमारा एक पहला स्टॉप आया जो कि है एंगल्स ये कुछ इनका यू नो रेस्टिंग एरिया पिकनिक एरिया आप कह लो ये एंगल्स ही रिवर है ठीक है जी और ये यहाँ पे इनके बोट हायर्स भी हैं ये होटल भी है खाने पीने का जगह भी है बेसिकली छोटा है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब घूमने के लिए है कुछ भी एक इनकी एक रोड है जो अब हम ड्राइव कर लो या खाने पीने के लिए कुछ रुक जाओ बट नॉनदलेस यहाँ से शुरू होता है ऑसम व्यू आपको मैंने बता दिया ना एंगल सी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है इससे भी आगे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में गेस करते रहो तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली है तब भी नीचे गेस करते रहो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्योंकि जो एंड में दिखाऊंगा ना ख़त्म है ख़त्म गाड़ी अब ड्राइविंग चेंज करी है मैं चला रहा था आपको हंगरी जैक से लेके अब तक मैं ही चला रहा था एंगल सी पे आके इसको दिए ये साला ना बेटर रहता है ना इसने कोई वीडियो बनानी है ना कुछ ऊपर से गाने ऐसे लगाए हुए जहाँ पे ये बोर कर रहा है मैं कहा मुझे यहाँ पे आने दे ऐसे व्यू आएंगे आप सबको दिखाना भी है और अब देखते हैं क्या शॉट्स आएंगे आगे देखना अद्भुत शॉट दिखाने के लिए मैंने डाला अपने फोन को जो व्यू चेक करो व्यू सो गाइस मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो ये एंगल सी से निकलते सार ये पहला स्टॉपेज है जो आपको कुछ ऐसा व्यू देगा अल्टीमेट है आगे पौड़ियां लगी हुई हैं सीढ़ियां लगी हुई हैं नीचे जाके आप ये सारा व्यू एंजॉय कर सकते हो हमें अभी आगे निकलना क्योंकि ये हमारी अभी भी डेस्टिनेशन नहीं है कमेंट करो क्योंकि ये डेस्टिनेशन नहीं है हमारी हम इससे भी आगे अभी जा रहे हैं और अभी भी वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से एक घंटा तो और लगेगा यार अब इतना तो बता दिया अब इससे ऊपर क्या आपको मैं बताऊँ सो कीप गेसिंग कीप कमेंटिंग ठीक है ये एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्या व्यू है यार आए आए मजे क्या बात है यार तो फिर एक और होटल बन रहा है ये स्टॉपेज है मैं आपको बता रहा था ना जैसे ये सारे रुके हुए हैं ये नीचे पौड़ियां जा रही है या इस तरफ आपको कई जगहें ऐसी मिल जाएंगी जो नीचे पौड़ियां जा रही है आप नीचे बीच पे जाके एंजॉय कर सकते हो ठीक है बस याद रखना कि आप अपनी गाड़ी को सिक्योर करके जाना
ये भी जा रही हैं सीढ़ियाँ और ये भी नीचे बीच तक। सो ग्रेट ओशन रोड यहाँ से शुरू है बेसिकली। यार अब तो गेस कर लो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता अब तक। सो टॉर्क भी टाप लिया। आप ये कैसा टोया पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। सो टॉर्क भी टाप लिया, टाप ही लिया, ठीक है। और एंगल सी भी निकल गए ग्रेट ओशन रोड एंटर करके। अब हमने रहना ग्रेट ओशन रोड पे है ना, बट जगह अभी आई नहीं है, जगह आएगी अभी, तो कमेंट करते रहना। सिर्फ इस टाइम मौसम ने कुछ साथ नहीं दिया हुआ, गर्मी होती ना अल्टीमेट मौसम का, गर्मियों में यहाँ पे आने का क्या मजा, क्या और सीनिक व्यू आता है जिसका हिसाब नहीं। बड़ा मन था, आप मानोगे नहीं, बैग कितने का वो, अच्छा बैग बेसिकली स्कूल में पड़ा, तो मैं बैग में कपड़े भी हम लेके आए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जाकर डाइव जरूर मारेंगे, बट अभी इस टाइम मारा ना तो करोड़ अंगूर समय नहीं लगेगा। आप सबके लिए एक क्विज, ठीक है, इसका आंसर देना, मैं पांच तक गिनूंगा। बहुत पुरानी तो नहीं कहूंगा, मतलब फिर भी पुरानी है, 8 से 10 15 के साल पहले वो मूवी आई थी, ऑस्ट्रेलिया में शूट हुई थी, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की। प्रीति जिंटा आखिरी में प्रेग्नेंट हो जाती है। इस मूवी का नाम क्या है? एक और गेस देता हूँ, एक और हिंट देता हूँ, उसमें जावेद जाफरी भी है, और सैफ अली खान और प्रीति जिंटा उसका एक घर रेंट पे लेते हैं, लिव इन में रहते हैं, मतलब मजे आए आए मजे। चलो मैं क्विज पे वापस आता है, ये तो मैं कहीं और निकल गया था। अच्छा सच्ची में? ओ यार मूवी, बट मूवी बहुत बढ़िया थी, नजारे। सो उस मूवी की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी ऑब्वियसली, और मैक्सिमम जो क्लिप्स थे, जो मतलब यू नो सीनिक व्यू वाले क्लिप्स थे, वो यहीं के थे, इसी रोड के थे, तो आप समझो। चलो एक लास्ट गेस दे दो, इसके बाद पांच गिनूंगा, तब भी नहीं बताया ना, फिर तो यार मूवी देखना शुरू करो। अब तो एक्शन करके दे रहा हूं कि अब तो पहचान लो, ठीक है, ठीक है जी। ये मत गिनना, एक दो, तब आपके पास है 5 4 3 2 1। मूवी का नाम था सलाम नमस्ते। तो अगर यहां तक किसी ने देखा और अब किसी को याद आया, चाहे वो मूवी देख लो चाहे मेरी अब पूरी वीडियो देख लो, क्योंकि अब इसी के साथ, इस व्यू के साथ ही मेरी ऑलमोस्ट सारी वीडियो चलेगी। अभी भी सोच रहा हूँ ना मैं कहाँ पे, मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही नहीं, अभी भी घंटा लग जाएगा, अभी भी घंटा तो लग ही जाएगा जहाँ पे हम जा रहे हैं। ग्रेट ओशन रोड पे है, टेंशन मत लो, बट जा कर रहे हैं, कीप गेसिंग, कीप कमेंटिंग। तो अब आ गया लॉन, LORN तो लॉन, ये लॉन की कोई ड्राइव है, लॉन लेफ्ट की तरफ सारा ओशन है,
राइट की तरफ ये सारा ईटेबल कैफेज, ठीक है, आइसक्रीम, तो ये है सारा पिकनिक एरिया, ठीक है जी, इस तरफ, और उसके आगे है सारा बीच एरिया, पूरी ड्राइव है, होटल बने हुए हैं, और ये अपार्टमेंट्स है। आप शायद इन अपार्टमेंट्स में एयरबीएनबी के थ्रू आप यहाँ पे वो भी ले सकते हो कमरा। दो अपार्टमेंट्स मैंने बाई किए हुए हैं यहाँ पर, रेंट पर चढ़ाए हुए हैं। क्या तो रेंट पे रह रहे हैं? हाँ। और ये रेवेन्सवुड, ये जो सा रेवेन्सवुड यहाँ से राइट जा रहा था ना, मेरे ख्याल से यहाँ से आपको रास्ता मिलता है एस्किन फॉल्स जाने का अल्टीमेट। मैं 2-3 बार हुआ हूँ एस्किन फॉल्स, और अल्टीमेट जगह एंड में जाके आपको वाटरफॉल मिलता है, फिर आप थोड़ा सा यू नो एडवेंचर करते हो, वो पत्थरों पे चल चल के वाटरफॉल के नीचे जाके भी कर सकते हो, बहुत अल्टीमेट फन है। गूगल कर लेना एस्किन, ERSKINE फॉल्स। तू ठंड की गल कर रहा, उत्ते नहाते पे हैं यार, इन्नी ठंड च भी नहीं जा रहे हो? और की? तो लॉन में ना अगर किसी ने ट्रैक करना है या साइकिल ट्रेल चलानी है तो जरूर आई रेकमेंड ऑल ट्रेल्स ऐप। ऑल ट्रेल्स ऐप पे आपको सारा कुछ मिल जाता है, प्लस उसकी डिस्क्रिप्शन में पता लग जाता है कि आपको उस ट्रैक पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। मैं जब भी हाइकिंग ट्रैकिंग पे जाता हूँ मैं हमेशा ऑल ट्रेल्स ऐप को यूज़ करता हूँ, पूरा उसका राउट बना होता है, और वहाँ से आपको कोई अपना राउट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वो डायरेक्शन को ऑन करते हो उसका ट्रेल का या ट्रैक का, ट्रैकिंग का, हाइकिंग का, जो भी है उसका राउट बन के आ जाता है, और वो आपका प्रॉपरली नोट डाउन करता रहता है कि आप कौन से एरिया से, लोकेशन, जियो टैगिंग, तो सारा कुछ ऑल ट्रेल्स पे आपको पता लगता रहता है कि आप कहाँ से गए थे, कितना टाइम आपको लगा, कहाँ से आप मुड़े हो, ये वो। तो आई हाईली रिकमेंड अगर आप जब भी ऐसे कुछ इलाकों में आओ तो ऑल ट्रेल्स ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला अभी भैया, कुछ भी नहीं। बट ये है कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है वो एप्लीकेशन, iOS या Android दोनों के लिए है। मेरे पास Android है तो मुझे Android का तो पता ही है, एहो जी बजते हैं फिर ना रॉन्ग साइड आके, तो Android के लिए और iOS के लिए है, जाके डाउनलोड कर लेना और फन करो। और अब देखो आगे का, हमें नज़ारे लेने दो। हाँ आप भी नज़ारे लो और हमें भी लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मतलब 4 सब्सक्राइबर्स रह गए मेरे 1100 सब्सक्राइबर्स होने को, मेरा कोई बहुत लंबा माइलस्टोन नहीं है, 4 सब्सक्राइबर्स ऐड हो जाए मेरे को, 1100 सब्सक्राइबर्स कर दो, वो 1.1 देखने को मुझे मिल जाए, आई रिक्वेस्ट। नीचे से ना फिशिंग करके आए हैं, मतलब फुल फन कर रहे हैं संडे का दिन। जिस लोगों को यहाँ का पता ना कि कहाँ पे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ फिशिंग कर सकते हैं या बंदे लुकआउट कर सकते हैं, परफेक्ट उनके लिए तो ये सारी जर्नी परफेक्ट है। कई मेरे जैसे भी हैं जो रात को किसी और लोगों के व्लॉगिंग चैनल्स खोल के बैठ जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं कि मैं बोलता हूँ बट कि इस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी कौन सी जगहें हैं जो देख सकते हैं, या फिर अपना जो चलते चलते जहाँ समझ आए रुक जाते हैं। हाथ फेर जू तेरे ते, हाथ फेर जू तेरे ते, पटुआ पटने नू फिर दावे नरम पटोले नू रेंडम स्टफ। तू ठंडा हो,
Guys, we only drink soft drinks, no hard drinks. चल झूठा पवन और गल सुन चलिए डैनी ने नत्तियां बना के एक वटी होनी है सोने दिया पाइए करना चाहिए कर सा रहे हैं एक तू वाला एक मैं पवन दो बना ऑफर तो माड़ी नहीं यार 300 का पीयर सिंह तो मैं वैसे भी करानी है एक तू बना एक तू वाला एक कर दे मैं पवन मैं सोच रहा कान कटाला पहला दो नो रैंड कान ना कराई मुझे यार जे यारिया जे यारिया आप फुद्दू काम ना कराई बस यार उत्ते दे बॉडी मॉडिफिकेशन ओए जे यारिया आप फुद्दू काम ना कराई कोई बात बन रही है मतलब ओए कैमरा लगा यार मैं मतलब ना बॉडी मॉडिफिकेशन करवाना चाहता हूं ये वाला हिस्सा ना कान का कटवाना चाहता हूं मतलब खत्म और ये मान नहीं रहा कि मैंने तुझसे बात नहीं करनी ये नहीं वो नहीं यार मतलब अच्छा लगता है इतना कान कटा होगा बस मतलब सबसे सही पॉइंट पता क्या है ये ऐसे बंदे के साथ आना जो आपके हिसाब से मिलता है जुलता है क्यों क्योंकि उसको भी रुकते रुकाना जाना पसंद है वो भी हर जगह पे चाहता है यहाँ पे रुक के चल दो फोटो खिंचा ले इस जगह की वाइब भी ऐसी है अभी इस जगह की वाइब देखो ग्रेट असं इन्ना तो रुक रुक के जा रहे हैं तो हम आए रब्बा हम नीचे उतर आए हैं ठीक है तो हमने सोचा अब यहाँ पे भी दो चार फोटो खिंचाई लें जब इतनी अच्छी आई रही है जूते गंदे हो जाएंगे है ना की है शेल लला कलेक्ट कर ला बहुत बंदे कलेक्ट करते हैं घरे जाके ना एक ओदे विच पा देंदे बोल दे विच पानी भर के फिर मच्छियां ले आंदे कहंदे आहो मेरे जूते गिल्ले हो जाएंगे यार यार जितने किले हो गए वो लहर आ गई हूं तो हो ही गए यार शिट अभी मैं चढ़ा ही था और जितने एक और आई लहर क्या बात है यार वो आ रही वो जो पीछे वाली आ रही है ना वो बहुत तेज है एडवेंचर फुल ऑन बहुत वधिया लग रहा है बट गलती ये होगी मैं भी जट टिंक ही हूं कि जूते पहले उतार के आया था कि चल पैर गिले होते या जीन ऊपर थोड़ी गिली हो जाती कोई चक्कर नहीं था यार जूते गिले कर लिए यार अपने शिट यार मैं जूते भी नहीं दूजे लेके आया यार मैं पहला सोच रहा हीगा मैं दूजे जूते भी चक ला तिहान चे कोई बिलीव नहीं करता सो ये कोई हाल है इस टाइम जूतों का शिट यार बट चलो कोई चक्कर नहीं फन अभी भी फुल है चल आ जा आ भी जा हूं चल चल रेडी स्टडी गो चल आ जा